रिजर्वेशन वाला तुझे क्लियर पास हो गया ना डॉक्यूमेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, बस चेकिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। दिस इज़ आर रिजॉर्ट। तो यहाँ पे बीच विंग है ये पूरा, और बीच विंग इसलिए बिकॉज दिस इज़ द बीच एक्सेस। दिस इज़ हमारा जो बीच रिजॉर्ट है, और पूरा बीच एक्सेस वेरी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आर रिजॉर्ट। सो लास्ट हम आए थे बीच पे 2019 बिफोर कोविड, गोवा गए थे, और अब सीधा हम पहुंच गए हैं लंकावी। मस्त बीच में आराम से हम लोग वॉक किया एंड एंजॉय कर रहे थे अभी, एंड देन वेंट फॉर अ स्विमिंग। काफ़ी इस साल अभी तक मैंने स्विमिंग नहीं की थी, तो फाइनली लंकावी में आके स्विमिंग हो ही गई। थोड़ा बाहर जाते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और मे बी वील गो टू द ईगल स्क्वायर, काफ़ी अच्छा लैंडमार्क है। जैसे अपने ऊबर और ओला है, यहाँ पे ग्रैब चलती है, तो अभी हमने ग्रैब बस बुक कराई है, हमारी कैब आ गई है, एंड वी आर गोइंग टू द सिटी, और यहाँ पे टाउन बोलते हैं, तो ईगल स्क्वायर है वहाँ पे हम जा रहे हैं। ड्राइविंग थ्रू डेज एंड नाइट्स, वोंट स्टॉप फॉर ट्रैफिक लाइट्स। वी आर एट द ईगल स्क्वायर। 28 रिंगिट्स लगे हमारे होटल से यहाँ तक, हाफ एन आवर की जर्नी थी, और रास्ता एकदम जैसे टिपिकल आप कहेंगे जैसे गोवा में हो तो वैसा सही रास्ता है। और दूसरे जो आसपास बिल्डिंग्स हैं, इट इज़ लाइक अगर आप मायामी गए हुए हैं तो वैसे वैसा सही आपको लग रहा है, यहाँ पे पूरी फीलिंग आपको वैसी आएगी। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. ईगल स्क्वायर इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छा सा इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। बच्चों के लिए भी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर, एंड काफ़ी स्टॉल्स भी हैं, और बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। चलो भाई, मिल गया मिल गया भैया, वॉशरूम मिल गया, खाए। बस देख सकते हैं कितना सुनसान पड़ा हुआ है जेटी पॉइंट यहाँ का, तो यहाँ से सारी जेटीज, आपके जो बोट राइड्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे आपका है जो ईगल स्क्वायर है, और ट्यूसडे एकदम सुनसान। कैब बुक करे हुए बहुत टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए वेट करते, अभी तक तो आई नहीं है। भूख भी बहुत लग रही है, अभी एक कैब आई है 6 8 9 6 8 4 5 5 2 1 है हमारी कैब। दो तीन मिनट और हमारे होटल के पास ही एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो अब हम वहीं पे आ गए हैं डिनर करने। Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. हाँ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी कि फाइनली थोड़ा बहुत हम लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से खा लिया। गुड कि इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, और आटे की चपाती मिल गई, आटे की रोटी मिल गई खाने को, अच्छा था खाना। इतनी भूख लग रही थी तो कुछ भी अच्छा ही लगेगा फिलहाल तो। अब हमारा होटल यहाँ से लगभग शायद 700 मीटर है, लवी ने अभी देखा है, तो वी आर जस्ट वॉकिंग। तो
थोड़ी बहुत रौनक लगी हुई है। वैसे तो अभी तक की तो यही ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी क्वाइट सी प्लेस है और मे भी क्योंकि वीकडे है तो रौनक काफ़ी कम है। बाहर भी हम जब गए रीगल स्क्वायर पे वहाँ पे भी लोग काफ़ी कम ही मिले। भाई सब रिजॉर्ट भी ऐसा सुनसान पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग जैसे खा पी के सो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हैं कहाँ हम। 400 रिंगिट हमने एक्सचेंज कराए थे तो अभी आज की डेट में ये कि अब 16 रिंगिट ही बचे हैं, $200 तो इन्होंने होटल वालों ने डिपॉजिट ले लिया। अब कल सुबह होगा क्या कि हमने 9 बजे निकलना है और एक मनी एक्सचेंजर आई डोंट नो मे बी 9 बजे के बाद 10 बजे खुलेगा, तो ऐसा ना हो कि कल हम चले जाएं और हमारे पास पैसे ही ना हो कुछ खाने पीने के, तो ये काफ़ी समस्या गंभीर समस्या है कल के लिए। देखते हैं होपफुली रिजॉल्व हो जाए, टाइम से खुल जाए मनी एक्सचेंजर। आज हम लोग गए थे लगभग 5-6 मनी एक्सचेंजर के पास गए, बट जैसे मैंने बताया कि मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है, 6-7 बजे सारी दुकानें बंद, कुछ है ही नहीं, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं। आई मीन लिटिल स्ट्रेंज, बट कैब वाला बोल रहा था कि टूरिज्म भी थोड़ा डाउन ही है आजकल। एंड जस्ट लिसन टू द नॉइज साउंड ऑफ द वेव्स, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो दिस वॉज़ आर डे 1 इन मलेशिया लंगावी एंड अच्छा दिन रहा, काफ़ी मस्त रिलैक्स किया, आज का फर्स्ट डे था। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरिंग एंड आउट। बाय बाय।